हेलो एवरीवन। तो फाइनली आज एनटीए ने नीट 2024 एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो एक सरप्राइज मूव था एनटीए की तरफ से, क्योंकि आज इलेक्शन का रिजल्ट और नीट 2024 का रिजल्ट दोनों एक साथ ही दे दिया। तो आज एक मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने बताया था बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि अपना मार्क्स और रैंक दोनों उसी चैनल की उसी वीडियो की कमेंट में डालना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका रिप्लाई दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना मार्क और रैंक दिया है, तो जिसकी वजह से मुझे हेल्प हुआ है कि कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना है। देखो, मैंने जो कट ऑफ बताया था पहले, मैंने 575 टू 580 के आसपास बताया था, तो वो कट ऑफ शायद नहीं भी जा सकता है। देखो, अनएक्सपेक्टेडली इस बार स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है और जो मार्क्स है वो मतलब और रैंक के हिसाब से लास्ट ईयर लास्ट दो ईयर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा गया है। मतलब आप एक चीज़ देख सकते हो, अराउंड 700 मार्क्स पर एक स्टूडेंट्स का रैंक 2700 के आसपास है। मतलब देख सकते हो, एक स्टूडेंट्स का मार्क 700 हो के भी उसका रैंक 2500 से ज़्यादा है। तो ये कंपटीशन टफ होने वाला है इस बार स्टूडेंट्स के लिए है। तो लेकिन स्पेशली मैं इस वीडियो में असम के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि असम में कट ऑफ पिछले बहुत सालों से कट ऑफ नीचे जा रहा था। मतलब नीचे क्या, मतलब कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाता है, अराउंड 540-550 के आसपास ही रह रहा था। लास्ट ईयर 3 मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ था, तो उसकी वजह से कट ऑफ 2022 के कंपैरिजन में कट ऑफ कम गया था। तो लेकिन इस बार देखो, इस बार सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है, वो भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लखीमपुर नहीं, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज ओपन हो सकता है। तो अगर वो ओपन हो जाता है तो मतलब कट ऑफ में मतलब उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेगा। हालांकि स्टूडेंट्स का मास इतना ज़्यादा है, कॉलेज एक ओपन होने के बाद भी उसको डिक्रीज नहीं कर पाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, इस वीडियो में कम्प्लीटली डिटेल में बात करेंगे और हम लोग साथ में प्रेडिक्ट करेंगे कट ऑफ क्या जा सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रैंक को कंपेयर करना है और देखना है कट ऑफ क्या जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, ये वीडियो है, मैंने बताया था, मैंने इसी वीडियो में बताया था कि कट ऑफ 577 जाना भी मुश्किल है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है कट ऑफ। और फिर EWS का कट ऑफ मैंने 580 के आसपास बताया था, जो कि देखो अगर DME के ऊपर डिपेंड करेगा वो कैसा 500 EWS का स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कर रहा है। फिर OBC का मैंने 450 के आसपास बताया, SC का 455 से ज़्यादा बताया था। और फिर ये एक और वीडियो है जो कि मैंने बताया था, जब पेपर हुआ था तो उस टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि पेपर मॉडरेट हुआ है, केमिस्ट्री ऐसा मतलब उतना ज़्यादा इजी नहीं था। लेकिन फिर रिज़ल्ट आने के बाद पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। जो लोग पढ़ाई किए हैं और अपने प्रिपरेशन पर फोकस किए हैं और मेहनत किया है, तो उन लोगों का मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। सो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक चीज़ बताया है कि उनका मार्क्स और रैंक कितना गया है। तो ये एक रैंक है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मार्क्स जो है वो मैं आपको मार्क करके देता हूँ। ये 609 मार्क्स, ये इम्पोर्टेंट मार्क है। फिर ये है 456 57, फिर 443 जो कि OBC के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये मार्क। फिर नेक्स्ट आते हैं 450, और फिर EWS के लिए अराउंड 590 के आसपास ये जो मार्क्स है। सो ये बहुत सारा मार्क्स स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल पर कमेंट किए हैं कि उनका मार्क्स इतना जा रहा है और रैंक भी इतना जा रहा है। देखो मतलब एक चीज़ देख सकते हो, 597 में 83,000 रैंक है स्टूडेंट्स का। मेरा मार्क्स 2022 में 591 था और रैंक था 25,000 के आसपास। देखो कितना फ्लक्चुएट किया है, सीधा 595 देख लो, 595 टू 586,000 और 25,000, लगभग अराउंड 70,000 या फिर 60,000 मार्क्स इंक्रीज कर गया है, मतलब रैंक इंक्रीज कर गया है। तो आप समझ सकते हो कट ऑफ क्या जा सकता है इस बार हर स्टेट में, सिर्फ और सिर्फ असम में नहीं, हर स्टेट में ये होने वाला है। देखो ये डिपेंड करेगा असम के ऊपर, असम में कितने स्टूडेंट्स ने 600 प्लस लाया है। और फिर मैं रैंक पे ऊपर डिपेंड ज़्यादा करूँगा और मैं ज़्यादा रैंक के ऊपर बिलीव करूँगा, क्योंकि मार्क्स एक मार्क्स पर बहुत ज़्यादा मतलब एक स्टूडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से रैंक ऊपर नीचे होता है।
तो देखते हैं क्या जाता है। तो ये है असम के सीट मैट्रिक्स। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है जनरल कोटा, जनरल कोटा में कितने सीट्स आएगा इस बार ये डिपेंड करेगा जितने रिजर्वेशन होंगे इस बार, जैसे कि NRA रिजर्वेशन हो गया, 5% EW गवर्नमेंट स्कूल रिजर्वेशन, इन सभी के ऊपर डिपेंड करेगा जनरल के कितने सीट्स आएगा इस बार। तो मैंने लास्ट कुछ वीडियोज़ में बताया था कि जनरल में लगभग 500 to 560 के आसपास सीट आ सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ है, देखो 5% गवर्नमेंट रिजर्वेशन वाले के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ये इतने इनमें बहुत सारा स्टूडेंट्स और ये रिजर्वेशन कम्प्लीटली फील भी हो सकता है। देखो जो OBC है और जनरल है तो उनके ऊपर एक 5% गवर्नमेंट स्कूल रिजर्वेशन वालों को प्रेफर किया जाएगा, तो उनके लिए बेनिफिट भी हो सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो कैटेगरी अगर फिल हो जाता है तो जनरल का सीट भी कम हो सकता है, ठीक है। तो ये आप उसी वीडियो में देख लेना, मैंने कम्प्लीटली डिटेल में बताया था। वो ये मतलब एक्चुअल सीट मैट्रिक्स नहीं है, DME अपने वेबसाइट पर एक्चुअल सीट मैट्रिक्स रिलीज़ करेगा, उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। तो उसको रिलीज़ करने के बाद अच्छे से पता चलेगा कि कट ऑफ किया जा सकता है। तो ये मतलब मैंने निकाला है कि लास्ट 2 साल में किस मार्क पर और किस रैंक पर कितना मार गया है, किस रैंक पर कितना मार गया है। तो देखो 2022 में 546 गया था, जिसमें रैंक था 51,000। इसी तरह EWS, OBC, SC और ST प्लेन और ST हिल आप देख सकते हो। 2023 में देखो 546, रैंक था 67,017, OBC 430, 1,88,275। फिर OBC EWS मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि EWS में लास्ट ईयर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए EWS को मैं छोड़ रहा हूँ, फिर सिर्फ जनरल और OBC के बारे में बात करूँगा। इसी तरह आप इसी रैंक को देख सकते हो, और इसी रैंक को आप इस बार उसी इस रैंक पर कितना मार्क्स आ रहा है एक स्टूडेंट्स का, उस पर डिपेंड करेगा कट ऑफ, ठीक है। 67,000 हुआ तो इस बार आप सिंपली प्रेडिक्ट कर सकते हो 67 के आसपास जो मार्क रहेगा इस बार उसी के आसपास कट ऑफ जाएगा। तो इसी तरह मैं 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता देता हूँ। देखो मैंने देखा कि 667 रैंक के आसपास आप इधर देख सकते हो, ये एक मार्क इम्पॉर्टेंट मार्क है 67। देखो 67 गया था लास्ट ईयर, तो इस बार 68,000 से ज़्यादा रैंक जाएगा अगर आसाम में सीट मिलने के लिए। तो ये 70,000 है, तो इससे मतलब इससे 68,000 आप देख सकते हो, मतलब 68,000 अगर किसी का रैंक है तो उसको सीट मिलने का चांसेस ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं रैंक के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि मार्क्स के ऊपर डिपेंड करने से नहीं होगा, आपको रैंक के ऊपर डिपेंड करना होगा। तो इसी तरह आप एक चीज़ देखो, अगर किसी स्टूडेंट्स का रैंक 68,000 है तो उसको असम में सीट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये 605 मुझे ये मतलब बोलने में मतलब मुझे भी दुख हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कट ऑफ। फिर भी मैं जो हर साल प्रेडिक्ट करता हूँ इसी तरह प्रेडिक्ट करता हूँ, रैंक को कंपेयर करके प्रेडिक्ट करता हूँ। मैं दुआ करूँगा कि ये कट ऑफ नहीं जाए, कट ऑफ अराउंड 580 और 90 के आसपास जाए, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूँ, इसी कट ऑफ को बोलना पड़ रहा है, ठीक है। ये 68,000 के आसपास अगर मार्क है तो आपका असम में सीट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह EWS का रैंक मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि EWS में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये डिपेंड करेगा DME के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर 585 के ऊपर है आपका मार्क्स तो आपको सीट मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। इसी तरह OBC 1,80,000 to 2,00,000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आपको सीट मिलने का चांस है। इसी तरह SC 1,00,000 to 2,00,000 और ST प्लेन 27 to 28 लाख और ST हिल्स 39,000 to 40,000 के ऊपर अगर आपका रैंक है तो आपको सीट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखो इस बार जो NTA ने किया है मतलब बहुत कुछ हुआ है। देखो एक स्टूडेंट्स का मार्क्स 618 और 19 आ रहा है, ये कैसा पॉसिबल हुआ सकता है, 618 और 19 कैसा आ सकता है, ये नहीं होना चाहिए, कुछ तो मतलब प्रॉब्लम हुआ होगा इसलिए तो ऐसा मार्क और रैंक आ रहा है स्टूडेंट्स का। तो आई होप NTA इसको रिजॉल्व करेगा कि जितने जितने प्रॉब्लम्स हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी मार्क्स भी रिजल्ट भी नहीं आए होंगे तो उनका रिजल्ट भी अभी डिक्लेयर करेगा। तो देखते हैं क्या जाता है, आई होप ये कट ऑफ नहीं जाए, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये कट ऑफ जा नहीं सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आई होप ये ऐसा नहीं जाए, कम जाए,
डिपेंड करेगा रिजर्वेशन के ऊपर, असम के गवर्नमेंट के ऊपर, डीएमई के ऊपर, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करेगा। देखता हूँ क्या होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।